हाय एवरीवन, माय नेम इज भास्कर। यू आर वाचिंग फॉर कोड फॉर एजुकेशन। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में रिस्पॉन्सिव ई कार्ड प्रोडक्ट डिजाइन यूजिंग फॉर लाइक एचटीएमएल एंड सीएसएस। ओके, एंड सबसे पहले कि वीडियो में होने क्या वाला है, मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर। तो सबसे पहले हम इस कार्ड को बनाने के लिए एक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का कार्ड देख रहे हैं आप, उसके ऊपर एक डिव लेंगे, उसके हाफ पार्ट पे हम रेड कलर होगा, हाफ पे व्हाइट कलर, एक इमेज होगी, शेडो है यहाँ पे। ओके, एंड राइट साइड के पार्ट में आपका क्या है कि यहाँ पे एक टाइटल है, प्राइस रेट है एंड छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एंड ये दो चेक बॉक्स, इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्यों यूज क्या यूज करेंगे हम इसका, एंड बटन गाइस। ओके, जैसे कि चेक बॉक्स देख रहे हैं ना, तो अगर व्हाइट वाले पे क्लिक करूंगा ना गाइस, तो व्हाइट वाला आएगा, आप देख रहे हैं। अगर मैं व्हाइट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ एंड रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो चेंज हो रही है इमेज। ओके, तो ये कैसे फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, एंड रिस्पॉन्सिव है या नहीं ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है हर डिवाइस के लिए। ओके, हर डिवाइस पे आपका प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है ये। तो ये कैसे है ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, और लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना गाइस, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। उससे होगा क्या गाइस कि डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स की पोस्ट डालता हूँ, देखिए, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके गाइस। एंड आपकी कोई क्वेरी होती है, डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरी रिसॉल्व भी करवा सकते हैं गाइस। चलिए बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले एडिटर पे चलते हैं। एडिटर पे हमारा ये है, पहले हम ब्राउजर को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एंड एडिटर पे चलने के बाद, तो एडिटर पे आने के बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक्सएमएल की एक फाइल है एंड सीएसएस की एक फाइल है गाइस। ओके, एंड इस सीएसएस की फाइल को हमने लिंक कराया हुआ है अभी, एंड यहाँ पे जियो क्वेरी का पार्ट है, सीडी लिंक यूज कर रहे हैं। ओके, एंड जेएस हम इसी के बॉटम में लिख देंगे, कोई अलग से फाइल नहीं बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी डिव लेंगे एंड यहाँ पे एचटीएमएल रेडी करना है हमें पहले, यहाँ पे सिंगल, ओके सिंगल आइटम। ओके गाइस, ये पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे, क्लास देंगे गाइस इस पे हम लेफ्ट सेट। ओके ठीक है, इसके अंदर हम दो इमेजेस लेंगे गाइस बेसिकली, और इमेजेस क्या होंगी, इमेजेस मेरे पास इमेजेस नाम के एक फोल्डर के अंदर है, एंड पहले वाइट, ओके एंड इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं गाइस हम सेकंड इमेज के लिए, सेकंड इमेज, एंड यहाँ पे बस इमेज चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस कि यहाँ पे डिव लेंगे एक, और अब हमें क्या करना है, राइट का पार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राइट सेट, ओके एक डिव लेंगे यहाँ पे डिव, ओके एंड डिव के बाद क्लास होगी आपकी, क्लास में हम करेंगे सब नेम, ओके एंड सब नेम के अंदर जो हमारा होगा टेक्स्ट होगा वो हम लिख लेते हैं बीट्स, ओके वायरलेस, ओके हेडफोन। बाद हम जो डिव यूज करेंगे डिव क्लास, क्लास के अंदर हमारा प्राइस का आएगा पार्ट, तो प्राइस में हमारा होगा $349। एक डमी नंबर ले रहे हैं गाइस बेसिकली, हम कुछ ज्यादा और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है 95, ठीक है। इसके बाद का जो डिव होगा वो होगा हमारा डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पी ले लेंगे गाइस, एंड इस पी के अंदर जो टेक्स्ट है ना वो मैंने नोटपैड पे पहले से लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड पेस्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा डिस्क्रिप्शन कवर हो गया। एंड डिस्क्रिप्शन के बाद में क्या है गाइस, इसके बाद में हमें क्या चाहिए, कलर का पार्ट चाहिए, तो चेक बॉक्स देख रहे थे ना आप, उसके लिए हम क्या करेंगे कलर, ओके उसमें हम क्या करेंगे यूएल, ठीक है ये को क्लोज कर दिया हमने, एंड इसके अंदर आ गए, इसके अंदर भी हमारा यूएल बन चुका है, एल आई है हमारे पास में, ठीक है दो एल आई लेंगे हम, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाहर में यहाँ पे बटन लेंगे हम, बटन का नाम होगा एड टू कार्ड, ठीक है। तो ये डिव हमारा एचटीएमएल पूरा रेडी है गाइस, एक बार देख लीजिए आप, ये हमने पूरा एचटीएमएल बना दिया है, ठीक है। एक बार ब्राउजर पे चलेंगे ना, तो हमारे पास दोनों इमेज है, जैसे कि मैंने आपको कहा था शेडो का पार्ट इमेज का ही है, तो हम अलग से शेडो नहीं देंगे, इमेज ही इस तरह से बनाई गई है कि शेडो है उसके नीचे, ओके एंड टेक्स्ट है हमारा, ठीक है।
यहाँ पे हमारा एक्सटीमल कवर होता है, इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अपनी स्टाइल पे। सबसे पहले भैया मैंने क्या करवाया, फॉन्ट फैमिली है हमारे पास पॉपिंस की, एंड हैस्ट्रेस पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन आता है ना आपका ब्राउजर पे, वो रिमूव करने के लिए। एंड बॉडी पे क्या करा है आपका, हाइट 100 BH की, बैकग्राउंड कलर लिया है मैंने ग्रेडियंट फॉन्ट फैमिली जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे कि आप अपनी क्लास लेंगे, यहाँ पे क्या थी हमारी क्लास का नाम, सिंगल आइटम। ओके, एंड इसके अंदर करेंगे पोजिशन, एब्सोल्यूट से होगा आपका 50%, 50% लेफ्ट से होगा 50% आपका, ठीक है। एंड इसके बाद में हम यूज करेंगे इसमें ट्रांसफॉर्म, ठीक है गाइस, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट। एंड इसके अंदर हम करेंगे -50% कॉमा -50%, ठीक है, कॉप, ठीक है। इसको हम कॉपी करके इसके लिए वेब किट भी दे देंगे, जिससे कि हमारा जो ब्राउजर, ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ करके बिर्थ देंगे गाइस इसको, ठीक है। एंड यहाँ से हाइट देंगे हम इसको, हाइट हो गया हमारी 360 की, ठीक है। मैक्स विड्थ देंगे हम इसको 100%, ठीक है। बॉर्डर होगा आपका आपका 6 पिक्सल का सॉलिड, एंड कलर होगा आपका वाइट, ठीक है। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे 20 पिक्सल होगा वो। इसके बाद में हम लेंगे आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पे हम क्या करेंगे, वाइट, वाइट कलर में हम स्मोक, ठीक है। एंड यहाँ से बॉक्स शेडो देंगे हम गाइस, बॉक्स शेडो में हम क्या करेंगे 10 पिक्सल, ओके 30 पिक्सल, जिससे कि डेप्थ दिख सके थोड़ा सा बॉक्स की, 50 पिक्सल एंड -20 पिक्सल, ठीक है। एंड RGBA इसके बाद है 0.0 एंड 0.1, ठीक है। एंड इसके बाद में लास्ट में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे हम। इसे यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी स्पेलिंग की, इसको सही करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि CSS कंप्लीट हो गई, अब जो मिस्टेक थी हमने उसे सही कर लिया है। ये कहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ HTML। ये HTML आपका ये रहा, ये क्लास है हमारी। इस क्लास को यूज करने के बाद ब्राउजर पे चलेंगे तो देखिए गाइस, अभी ये हमारे को कुछ इस तरीके का आ रहा है, क्योंकि रिपीटेड हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि अभी इमेजेस और हमारा कंटेंट ओवरलैप कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, जब इन चीजों के लिए CSS लिखेंगे ना, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आएंगी चीजें। तो नेक्स्ट क्लास की क्लास है आपकी लेफ्ट सेट, हम इसके साथ में राइट वाले पार्ट को भी ले लेते हैं, राइट सेट, ठीक है। पोजिशन रिलेटिव रहेगा इसमें। एंड इसके बाद में विड्थ होगी आपकी इसकी 50% की, एंड हाइट होगी आपकी 100% की, ठीक है। तो ये क्लासेस कहाँ पे, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये क्लास आपकी एक ये रही और एक ये रही गाइस, ठीक है। अभी क्या है कि अभी इतना सा CSS लिखने के बाद कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसके लिए हम जो नेक्स्ट CSS लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो चीजें हमें सही दिखेंगी थोड़ी, फ्लोट लैब। ओके, बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी पहले से लिखी हुई है, नोटपैड पे चलते हैं, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन सके। एंड हाइट यहाँ पे 450, ठीक है। एंड विड्थ होगी आपकी 320 की, एंड बॉक्स शेडो होगा आपका, ठीक है गाइस, बॉक्स शेडो में 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 50 पिक्सल, ओके। एंड RGBA, एंड इसके बाद में हम होगा 0.0.1, ठीक है। एंड इसके बाद में मार्जिन टॉप से माइनस देंगे गाइस, जो आप देख रहे थे ना वो बॉक्स बाहर के साइड निकला हुआ था, वो इसी की वजह से था। एंड बॉर्डर रेडियस होगा आपका 12 पिक्सल का, ठीक है। ये किसके लिए, लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। तो जब अभी हम देखेंगे ना इस वाली क्लास को यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बॉक्स आपको दिख रहा होगा गाइस, ओके, कि रेड कलर का थोड़ा सा बॉक्स आपको हाफ में दिख रहा होगा, कि जो अभी वहां पे इमेज सेट करेंगे ना, तो एक्चुअल में जो डिजाइन था वो बनेगा। तो सबसे पहले अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके इमेज को ही कर लेते हैं पहले डिजाइन। तो यहां से आपका लेफ्ट साइड में इमेज, ठीक है, पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है गाइस। इसके बाद में टॉप से होगा आपका 50%, ठीक है, लेफ्ट से होगा 50%, एंड ट्रांसफॉर्म होगा इसके बाद में
फॉर्म में ट्रांसलेट, ठीक है, एंड इसके बाद में माइनस फिफ्टी, ठीक है। इसी चीज को कॉपी करके हम वेबकिट भी डिफाइन कर देंगे। इसमें वेबकिट आपका क्रोम एंड सफारी के लिए यूज होता है गाइस बेसिकली। एंड इसके बाद में हम विड्थ डिफाइन करेंगे, इसमें वो होगी आपके 300 पिक्सल एंड हाइट होगी आपकी 300, ठीक है, दोनों बराबर। तो ये कहाँ पे पार्ट है मैं एचटीएमएल में एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये पार्ट बस कितना सा है, ये इतना सा डिव है, इसके अंदर दो इमेजेस है, उस डिव को और इमेजेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज सीएसएस से। तो ब्राउजर पे जब हम चलेंगे ना तो देखेंगे तो अब हमारी इमेज एक्यूरेट बैठ रही है गाइस, ओके, डिजाइन के हिसाब से। अब क्या है कि हमें ये नीचे का कंटेंट हमारे को एक्यूरेट राइट साइड में चाहिए, तो उस पर चलते हैं पर राइट कोड राइट, ठीक है गाइस। पैडिंग होगी हमारी यहाँ पे 2 RM की, 1 RM, ठीक है। एंड इसके बाद में बॉक्स साइजिंग यूज करेंगे एंड बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा राइट की तरफ चला जाएगा जब हम देखेंगे ब्राउजर पे, तो अभी ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी हमें इसे डिजाइन करना है गाइस। तो डिजाइन करने के लिए अब जो नेक्स्ट क्लास को यूज करना है वो होगा इसके अंदर राइट, ठीक है, राइट सेट के अंदर हमें सब ने, ठीक है गाइस, वो होगा हमारा। तो फॉन्ट वेट क्या हो जाए आपका, बोल्ड हो जाएगा गाइस, ठीक है, पहला काम। एंड दूसरा क्या होगा गाइस आपका, इसके बाद फॉन्ट साइज होगा गाइस, ठीक है, वो कितना होगा 1.4 RM, ठीक है। एंड लाइन हाइट क्या होगी गाइस, लाइन हाइट होगी आपकी 2 RM, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, 1 RM कर देंगे इसको। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्राउजर पे तो हमारा ये चीज आ रहा है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद में हमें प्राइस जो है हमारा उसको करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट सेट के अंदर जो क्लास प्राइस है ना उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से RM 0 पैडिंग दे रहे हैं हम बेसिकली, एंड फॉन्ट साइज देंगे गाइस वो होगा हमारा 2 RM का, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट देंगे यहाँ से हम गाइस वो होगा बोल्ड, ठीक है। तो ये किसके लिए करा है, ये प्राइस के लिए करा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। प्राइस का है हमारा ये रहा। एंड ब्राउजर पे चलेंगे, ब्राउजर पे देखेंगे तो देखिए गाइस काफी बोल्ड एंड थिक दिख रहा है हमको। एडिटर पे चलते हैं एंड इसके बाद राइट साइड के अंदर आपका डिस्क्रिप्शन होगा गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर पी भी लिया था हमने, तो पी भी ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट पी पे ही करते हैं। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका 0.9 RM, लाइन में जस्टिफाई कर देंगे हम, ठीक है, ठीक है गाइस। एंड इसके साथ में वेबकिट यूज करेंगे हम किस लिए यूज करेंगे, हाइफन के लिए गाइस, ठीक है, ऑटो। ये प्रॉपर्टी आपकी सीएसएस की है बेसिकली, जब हम हाइफन यूज करते हैं, देखिए इसके लिए ना ब्राउजर पे तो देखिए गाइस ये यहाँ पे हमारा आ चुका है। तो हमारे ये तीन चीजें बन चुकी हैं, तीन चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो में कहीं पे भी आपको डाउट लगे ना गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, ओके। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, राइट साइड लेंगे अगेन, इसके अंदर की कलर क्लास पे हम क्या करेंगे, REM मार्जिन दे रहे हैं गाइस, टॉप एंड बॉटम से एंड राइट एंड लेफ्ट से नहीं दे रहे हैं, तो 0। इसके बाद ही हम राइट सेट में कलर क्लास है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर में हम क्या करेंगे, कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक, ओके, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे एंड इसको नीचे ले आएंगे। एंड इसके बाद आपका क्लियर होगा एंड लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये चीजें किसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हम कलर के लिए कर रहे हैं। एंड इसके अंदर जो यूएल है ना उसको भी डिजाइन करना है गाइस, ठीक है। तो उसको डिजाइन करने के बाद ही वो इम्प्लीमेंट वहां पे दिखेगा आपको इफेक्ट कि वहां पे क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर यूएल LI पे विड्थ आपकी होगी 20 पिक्सल की, हाइट होगी आपकी 20 पिक्सल की, ठीक है। बॉर्डर होगा आपका 2 पिक्सल का सॉलिड एंड यहाँ से कलर होगा AA, ठीक है। एंड लिस्ट स्टाइल होगा आपका नन,
है, एंड बॉर्डर रेडियस होगा आपका, वो होगा आपका 4 पिक्सल का, ठीक है, एंड फ्लोट फ्लोट होगा आपका राइट की तरफ रहेगा, ओके, एंड लेफ्ट से होगा आपका 20 पिक्सल का, ठीक है, एंड मार्जिन राइट होगा आपका 0.4 RE, ठीक है, कर्सर पॉइंटर भी ले लेते हैं यहाँ पे, हम ट्रांजिशन भी यूज करेंगे गाइज इसमें, ट्रांजिशन होगा आपका 0.4S आपका इजी, ठीक है, तो ये देखेंगे ना जब आपका LI हमने बना लिया है, तो LI पे हम जाएंगे ना जब, तो यहाँ पे अभी आपको आउटलाइन दिख रही है गाइस, ओके, बेसिकली हमने आउटलाइन ही बनाई है यहाँ पे। अब इस आउटलाइन के बाद में अब हम इसमें कलर फिल करेंगे, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड इसमें लगाएंगे हम NH चाइल्ड, ठीक है, एंड चाइल्ड का फर्स्ट, एंड फर्स्ट में बैकग्राउंड कलर है आपका A6, ठीक है, 121E, ठीक है गाइस, ये कलर है, एंड इसको करेंगे हम राइट से 40 पिक्सल, ठीक है ना, ये हमारा हो गया, ठीक है, इसी पे जब इसी पे चीजें हो हमारी, तो होवर हो, तो आप होवर पे भी कलर चेंज करना है इस, तो कैसे करेंगे, तो होवर पे भी बस होवर लगाएंगे एंड यहाँ से क्या करेंगे, कलर कॉपी करेंगे एंड हमारा क्या है कि बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो बॉर्डर के कलर पे पेस्ट कर देंगे दस से, ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड के लिए भी बना ही लेते हैं, देन उसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्ट दोनों को एक साथ में, एंड यहाँ से आते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, एंड बैकग्राउंड में यहाँ से कलर डिफाइन कर देते हैं ये, ठीक है, इसी के लिए होवर भी बना लेते हैं, होवर बनाएंगे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, सेकंड सिलेक्ट है ही, कॉलन लगाएंगे होवर, ओके, एंड यहाँ से बस प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो जब इसके बाद देखेंगे ना ये CSS कंप्लीट करने के बाद ब्राउजर पे, तो देखिए कुछ इस तरीके का आएगा, देखिए होवर करने पे आपका देख रहे हैं व्हाइट हो जा रहा है वो आउटलाइन आपकी, ठीक है, ट्रांजिशन के साथ, ठीक है, तो ये चीज आपकी क्या थी, इस चीज के लिए थी। इसके बाद बटन डिजाइन करते हैं, जो बॉटम का पार्ट है हमारा सेट के साथ, अंदर बटन मिलेगा जो, एंड बटन की विड्थ होगी आपकी 70% की, ठीक है, हाइट होगी आपकी 40 पिक्सल की, ठीक है, मार्जिन टॉप देंगे हम 50 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस देंगे गाइस 1 मिनट, बॉर्डर रेडियस देंगे हम, ठीक है, 20 पिक्सल का, बॉर्डर को नन करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लेंगे यहाँ पे हम, तो बैकग्राउंड कलर जो यूज करेंगे ना गाइस, वो हम ग्रेडियंट यूज करेंगे, ओके, एंड ग्रेडियंट क्या है, मेरे पास पहले से HTML है यहाँ पे, ये देखिए ये बनी हुई है, तो ये दो चीज को कॉपी कर लेता हूँ मैं, बहुत शेडो और इसको, ठीक है, एंड इसके बाद में जो टेक्स्ट का कलर होगा ना वो वाइट होगा, एंड कर्सर होगा आपका पॉइंटर, ठीक है, तो ये बटन के CSS कंप्लीट हो गई है गाइस, ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिटर पे चलेंगे, वापस ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो बटन हमारा यहाँ पर रेडी है गाइस, ये देखिए शेडो भी आपको दिख रहा होगा, ओके, एंड यहाँ पे हमारे ये बन गया, हमारा हमारा पैराग्राफ हो गया, टाइटल बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट का बन गया, इमेज आ चुकी है, ठीक है, अब क्या है कि ये डिजाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है गाइस, तो अब इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहले मीडिया क्वेरी यूज करेंगे हम, ठीक है, तो मैं जो चेक लगा रहा हूँ मीडिया क्वेरी का, वो होगा आपका 767 का, ठीक है, एंड यहाँ से लेफ्ट सेट करेंगे, विड्थ होगी आपकी 100% की, बॉर्डर रेडियस होगा आपका 12 पिक्सल का, ठीक है, एंड मार्जिन होगा आपका टॉप से 0 पिक्सल, मार्जिन होगा आपका टॉप से 0, हाइट होगी आपकी 300 पिक्सल की, ठीक है, एंड इसी के अंदर जो राइट वाला पार्ट है राइट साइड, उसको भी कर लेते हैं, वो होगा आपका फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, एंड विड्थ हो जाएगी उसकी 100% की मोबाइल पे, ठीक है गाइस, एंड इसके बाद जो सिंगल आइटम है हमारा, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, विड्थ आपकी 95% की, ठीक है, एंड इसको क्या करेंगे, हाइट कर देंगे इसकी ऑटो, ठीक है, इतना सा, दैट्स इट।
तो हमारी रिस्पॉन्सिव भी कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्राउजर पर टेस्ट करना बाकी है, ब्राउजर पर चलते हैं। ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तो ओके है, इसके बाद सबसे पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं एंड इसको टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये देखिए गाइस, प्रॉपर जैसा हमने डिज़ाइन देखा था शुरुआत में वैसा ही है, प्रॉपर डिज़ाइन देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब फंक्शनलिटी लगानी है गाइस कि वाइट जो इमेज थी वो कैसे दिख रही थी क्लिक करने के बाद। ठीक है, उसको सबसे पहले डॉलर का साइन, तो डॉलर के साइन के अंदर हम सबसे पहले लेंगे क्या गाइस, ULLI, ठीक है, एंड NH चाइल्ड का ही यूज़ करेंगे इसमें भी हम, कि हमें फर्स्ट वन सेलेक्ट करना है। ओके, एंड इसके ऊपर जब क्लिक हो, ठीक है, इसके ऊपर जब क्लिक हो तो डॉलर साइन के अंदर जो क्लास होगी वो होगी लैब सेट के साथ, इमेज में भी हम NH चाइल्ड यूज करेंगे, ठीक है, सेकंड, ठीक है, एनिमेशन लगाएंगे इस पे, एनिमेट, ठीक है गाइस, ये देखिए, ठीक है। तो यही चीज कॉपी करके सेकंड के लिए भी कर लेंगे एंड देन उसके बाद में हम टेस्ट करेंगे कि वर्किंग है कि नहीं है, एंड सेकंड पे सेट सेकंड, ओके, और यहाँ पे जब होगा तो वो जीरो हो जाएगा, सेमी कॉलम मत लगाइएगा। ओके, यहाँ पे ऐसी रहेंगी ये प्रॉपर्टीज एंड इसके बाद जब हम टेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे एंड इसके बाद क्लिक करके देखते हैं। यस गाइस, देखिए बूम, आपका डिजाइन रेडी है। ओके, रिस्पॉन्सिव मैंने चेक करा दिया था, एक बार और टेस्ट करा देता हूँ मैं आपको, फंक्शनलिटी वर्क कर रही है आपकी, रिस्पॉन्सिव दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है डिजाइन। एंड इसके बाद में जो फंक्शनलिटी चलाइए, देखिए व्हाइट पे क्लिक करने के बाद व्हाइट, रेड पे क्लिक करने के बाद रेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जिस किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।